नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बैकग्राउंड इरेजर टूल के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम मैजिक इरेजर टूल के बारे में जानेंगे। मैजिक इरेजर टूल का जो काम है वो क्या करता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कलर हो, जैसे वाइट हो या ब्लैक हो या ब्लू हो या रेड हो, तो उन कलर को सिलेक्ट करके एक ही क्लिक में रिमूव करता है, उनको हटाना इरेज करने का काम करता है। जैसे ये हमारे पास इमेज है, इस इमेज में जो वाइट वाइट पोर्शन है, क्या ये पार्टीशन में, जैसे जो पेड़ की पत्तियां हैं उनके बीचों बीच में है, तो हम जब इसको रिमूव करेंगे तो ये कुछ कुछ एरिया में ही रिमूव होगा, एक साथ पूरा रिमूव नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, या तो इसको सिलेक्ट करना है या तो वन बाई वन क्लिक करके स्लोली काम करना होगा। ठीक है, या पूरा का पूरा, अगर ये पूरा बैकग्राउंड हमारा वाइट होता और इसके बीच में सिर्फ वो होता, कहते हैं हमारा ऑब्जेक्ट होता, तो ये एक क्लिक पे रिमूव हो सकता था। मैंने अदर जगह स्पेस में क्लिक किया तो इसने क्या करा, उन साइड से कलर को भी सिलेक्ट करके उसको भी रिमूव कर दिया। ठीक है, तो हमने करना क्या, जैसे ये हमारे पास एक इमेज है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये ट्री की इमेज है। अब इसके चारों तरफ क्या है कि एक ही कलर, सिमिलर कलर है, वो है वाइट। ठीक है, तो ये एक ही क्लिक पे ये पूरे का पूरा बैकग्राउंड इरेज कर देगा, लेकिन अंदर वाली जो एरिया में वाइट पोर्शन है लीफ के अंदर, वो रह जाएगा। वो इसलिए रह जाएगा क्योंकि वो ग्रीन के बीचों बीच में है, तो इसलिए वो रिमूव नहीं हो पाएगा। उसको फिर हमें बारीकी से काम करना पड़ेगा एक एक चीज़ों को सिलेक्ट करके। ठीक है, तो बहुत ही स्लोली काम करना पड़ेगा और बहुत शार्पनेस के साथ, ताकि इसमें कोई भी कमी ना लगे। तो हमने क्या करना है, इसको हमने रिमूव किया। अब हमारा पेड़ जो है पूरा ट्रांसपेरेंट मोड पे है। अब इसके पीछे हम कोई सा भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, इमेज लगाएं या फॉन्ट लगाएं या कोई भी बैकग्राउंड हो, टेक्सचर हो या वॉलपेपर हो, कुछ भी हम इसके पीछे लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है,